जब इसमें जो चीज़ें थोड़ी सी देखने वाली हैं वो ये है कि जैसे दुनिया में जो एवरेज एज है ब्रेस्ट कैंसर की वो 55 ईयर्स है, पाकिस्तान में जो एवरेज एज है ब्रेस्ट कैंसर की वो 35 ईयर्स ओ है। माय गॉड, 35। एंड हैविंग सेड दिस, पिछले 5 साल से हम ये देख रहे हैं कि यंग बच्चियाँ 16, 17, 18 साल की जो बच्चियाँ हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। अच्छा, फिर ये कि जो नोन रिस्क हैं जिनमें से जैसे जेनेटिक है या और मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो भी यहाँ पे उस तरह रिस्क फैक्टर डिफरेंट हैं। यानी कि जैसे यंग बच्चियों में हो रहा है उनमें जो एस्टेब्लिश रिस्क फैक्टर हैं उनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है और उनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। सो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और देखने में ये आ रहा है कि जो इसमें एक बहुत बड़ा इशू जो है वो ये है कि जो खुराक हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा अमल दखल है।